तो विवाह के आगमन पर माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। बहू को देखकर माताओं ने स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजाए, पुष्पों की वर्षा की, लोगों ने सुन तो रखा ही था, बहू आई है, माताएं भी बड़ी प्रसन्न चित है। तो जो सास थी मीरा की, उसने मीरा को पकड़ा, चलो बेटी, हाथ पकड़ करके लाई और भोजराज के भवन में पहुंची और पालकी से उतार करके देवी जी के मंदिर में ले गई। देवी जी के मंदिर में ले जाकर के बैठाया, पूजा की तैयारी की, बेटी तुम इनको प्रणाम करो, ये हमारी कुल देवी है, अब आज से यही तुम्हारी रक्षा करेगी। मीरा हाथ जोड़कर कहती, माँ जी क्षमा करना, मैं किसी भी देवता की अवहेलना नहीं कर सकती, ना देवी की, परंतु मेरा माथा तो एक ही जगह झुकेगा, जो झुक चुका है वो केवल हमारे गिरधर गोपाल जी। मीरा कहती, मेरे केवल गोपाल, दूसरा कोई नहीं। जहां इतना कहा तो मीरा की मां ने रोते रोते श्री गिरधर लाल जी को मीरा को दे दिया, ले ले जा बेटी, पर अब तू रोना मत। जहां ठाकुर जी को मीरा ने पाया, सोई गले से लगा था। परिवार के जबरदस्ती कहने पर विवाह किया है। मीरा तो कहती रही, मैं तो विवाहित हूं। लोग पूछते थे, कौन है तुम्हारा पति? मीरा कहती, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही हमारा पति है। हर पल श्याम के नजदीक रहती थी। और क्षमा करना, हम तुलना तो नहीं कर रहे हैं, पर हम कह सकते हैं कि राधा के प्रेम में कृष्ण की उपस्थिति है हर पल, परंतु मीरा के प्रेम में तो कृष्ण की उपस्थिति भी नहीं है, फिर भी मीरा कहती है कि मेरा गोविंद सामने खड़ा। हमारी मीरा ये कहती नहीं कि मुझे तुम दर्शन दो, वो बताती है कि मेरी दशा है, मुझे संसार में बड़ा धोखा दिया। मीरा को बहुत सताया साथ, थोड़ा मुड़ा नहीं, मीरा को बहुत सताया। मीरा जैसा कष्ट कोई नहीं पाता। आज के जमाने में कोई भगवान का भक्त होता है, इतना कष्ट पाता तो भगवान की भक्ति छोड़ देना। क्षमा करो, कौन कष्ट सहे, तो भगवान है नहीं, ये भी कह देता। लेकिन धन्य है मेरी मीराबाई। मीराबाई को तो प्रत्येक गायन में, वादन में, नृत्य में हर जगह सिर्फ गोविंद दिखाई देता।